हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और हमने कर लिए है गेहूँ की पूरी कटिंग कर लिए, और अभी हम आज गेहूँ को जो है इकट्ठा कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आज ट्रैक्टर आने वाला है और हमें निकलवाना है गेहूँ। तो इसलिए हम सब लोग मिलकर अभी यहाँ पर जो खेत है हमारा, जो बड़ा खेत है, तो वहाँ पर अभी हम गेहूँ इकट्ठा कर रहे हैं जो पूड़े हैं उनको, और इस प्रकार से जमा देंगे। हमारे यहाँ पर ऐसे जमा देते हैं, पूड़े बांधते हैं उनको जब निकलाते हैं उससे एक दिन पहले या उसी दिन। तो आज अभी धूप पड़ रही है बहुत तेज़, और दोपहर के बज रहे हैं, दोपहर के 12-1 बज रहे थे उस समय का समय हो रहा था। और ये जो गेहूँ इकट्ठा करने के बाद जी 2:30 बजे ट्रैक्टर आया, और उस समय बहुत ज़्यादा जो है बादल आ गए और बारिश जैसी संभावना हो गई थी। तो यहाँ पर फिर निकलवा लेते, हमने हल्की सी बारिश आई थी तो भी फिर हमें निकलवाना था गेहूँ। तो गेहूँ थोड़ा लेट था क्योंकि हमने मतलब जो लाइट कुएँ पे लेट आई थी, इस कारण हमने लेट ही बोया था गेहूँ। तो यहाँ पर अभी सब लोग मिलकर हम लोग जो है गेहूँ उसको इकट्ठा कर रहे हैं। मेरे चाची वगैरह भी आ गए थे, वो भी इकट्ठा करवाने के लिए। तो इससे ही हम लोग जो मिलजुल के काम कर लेते हैं, जो गाँव में खेतों के जो काम होते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, हम दोनों भाई और सब लोग मिलकर कर रहे हैं गेहूँ इकट्ठा। वहाँ पर मेरी दूसरी चाची थी, उन्होंने कर लिया इकट्ठा। और नितिन देखिए क्या कर रहा है यहाँ पर। नितिन को मैंने काम बताया था जो राई थी उसको इकट्ठा करने का, तो यहाँ पर नितिन कर रहा है राय के जो भी डंडल थे उनको इकट्ठा करके एक साइड कर देगा, क्योंकि बीच बीच में आ रहे थे पैरों में, इसलिए ये देखिए। और इसको बताया था मैंने कि बेटा रख दे इसको इकट्ठा करके, राय काम आएगी अपने, राय यानी सरसों जो भी। तो ये देखिए एक ही डंडल है, इसको इकट्ठा कर रहा है यहाँ पर, काट के रख दिए थे यहाँ पर, तो इनको ये यहाँ पर इकट्ठा कर रहा है। बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं आ पा रहा है, और चलो मैं डेली ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए यहाँ पर दूसरी लाइन हमने रखना स्टार्ट कर दिया है यहाँ पर। और हमारे ये जो खेत दिख रहे हैं आपको, सब हमारे परिवार के लोगों के खेत हैं, और सब के जो है अभी कर रहे हैं हम लोग क्या कहते हैं गेहूं को मतलब कटवाने का जो भी है, निकलवाने का जो काम है, क्योंकि हमने गेहूं लेट बोया था इसलिए। और देखिए यहाँ पर नितिन ने बहुत सारा इकट्ठा भी कर लिया है, तो इनको वापस एक जगह इकट्ठा करेगा यहाँ पर। अभी देखिएगा आप, वो जैसे कि मैं बता रहा था कि अभी हम लोग कर रहे हैं गेहूँ कटाई का काम और निकलवा ले। और ये वीडियो भी 5-7 दिन पुराना है कि गेहूँ हमने कब से निकलवा लिया है, और ये ब्लॉग डालने का मेरे को जो है मुझे टाइम नहीं लग पा रहा था, तो मैंने सोचा तो आज मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ। और ये देखिए पोड़े कितने अच्छे उतरे हैं, मतलब बहुत अच्छा, और गेहूँ भी खूब सारे हुए हमारे। मैं आपको ब्लॉग में बताऊँगा, कम से कम 11-12 बोरी हुई है हमारे गेहूँ की यहाँ पर। और एक खेत और वहाँ पर भी हम जाएंगे, पर उस समय फिर अब थक भी गया था, मैं घर चला गया था, तो उस समय मैं ब्लॉग नहीं बना पाया। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से पूड़े उठा के ले जाना पड़ता है भाई, धूप का समय, धूप कैसी आपको अभी पता है ही है। तो ये देखिए अगले साल हम लोग जल्दी बोने की कोशिश करेंगे, अगर भगवान की कृपा से पानी रहा कुएँ में, तो अक्टूबर में हम गेहूँ बो देंगे, जिससे कि जो है मार्च में 1st-2nd वीक तक गेहूँ पक जाए और टाइम से कट जाए। और कुएं में पानी भी कम हो गया था, थोड़ी दिक्कत भी आई थी हमें पिलाने में, तो अगले साल देखते हैं क्या होता है। अभी तो फ़िलहाल जो है इसको कर लिया हमने। ये देखिए डंडल नीति ने यहाँ पर इकट्ठे कर लिए हैं, और हम लोग लगे हुए भाई काम में। और ये खेत करने के बाद चाय पी के हम लोग जो दूसरा खेत है वहाँ पर भी गए थे, वो जो हीम है उस पर देखिए चारा आ रहा है हरा, ये मैं सिया के लिए और गाय के लिए ले जाऊँगा काट के बाद में। ये तारबंदी कर रखी है यहाँ पर नितिन, और जो दूसरे डंडल है उनको उठाने जा रहा है। ये देखिए आप यहाँ से उठा ले, यहाँ पर पड़ा था ये देखिए, वो इसको दिया था मैंने वीडियो बनाने का काम, बेटा तू बना वीडियो। ये देखिए उठा रहा है यहाँ पर, बच्चे ने काफ़ी बहुत सारा काम किया है। और आज हम जो है गेहूँ का ही जो है निकलवा लेंगे, हम खड़ा बोलते हैं, खड़ा निकलवा लेंगे पूरा। ये भी बात कर रहा था पर मैंने इसको कर दिया म्यूट, इसने कहा पापा मेरी आवाज़ को म्यूट कर देना, इसलिए पूरे खेत के जो राय के जो डंडल थे वो इसने उठाए हैं। और हम लोग राय अलग नहीं बोते हैं, हम लोग गेहूँ के बीच में ही कहीं कहीं डाल देते हैं बीज, जिससे कि हमारे घर के लायक हो जाए राय, बाकी ज़्यादा नहीं बोते हम लोग गेहूँ, ज़्यादा बोते हैं यहाँ पर हमारे। तो ये देखिए कितने इकट्ठा कर रहा है, और पूड़े भी बहुत सारे पड़े हुए, बहुत बड़ा ढेर हो गया था यहाँ पर।
हाई गाइस, तो देखिए अभी हमने ये तो इकट्ठा कर लिया और अभी सब लोग यहाँ पर ये जो गेहूँ की जो बाली है, मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे जगह जगह ये पड़ी हुई है, ये सब बिखरी हुई है, इनको सबको इकट्ठा करके, इनकी तो बहुत सारी पड़ी, तो इनको इकट्ठा कर रहे हैं और मैं लाया था चाय और अभी मैं जा रहा हूँ वापस घर पे। और यहाँ पर इन लोगों ने भी काट रखा है, देखिए ये भी शायद आज ही निकलवाएंगे, तो अभी हम जाएंगे निकलवाएंगे। ये देखिए गेहूँ काट दिया, सूखा नहीं दे रखा है।